नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आवास पर लंच का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। इस दौरान हुई बातचीत में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दी तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी अपनी नई पार्टी बना लेंगे। इस लंच में सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशीष सिंह भी मौजूद रही थी। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एमपी एमएलए की धारा 45 को हटा दिया जाए तो तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ है और वो खत्म हो जाएगी, कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। सीएम केजरीवाल का इशारा उन नेताओं की तरफ था जिन्होंने हाल में यहां पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में गठबंधन के लिए आप और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले ही महीने कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कहा था कि आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर भी आमने सामने है। केजरीवाल की नेतृत्व वाले संगठन ने सबसे पहले कांग्रेस को केवल एक सीट की पेशकश की। पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा था कि पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को एक सीट देने के लिए तैयार है, बीजेपी ज्वाइन की है और या इनके बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना है। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी की जो आज नेता हैं, शाम तक शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम रही हैं, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी पार्टी ने उन्हें सीएम नहीं बनाया था। फिलहाल कल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।